हाय, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एलटी ग्रेड से रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन। और आपको बता दूं, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनके लिए ये बता दूं कि हम इस चैनल पे सारे ही प्रिपरेशन करवाते हैं एग्ज़ाम्स के। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसमें हम सारे ही इंपॉर्टेंट PDF भेज देते हैं। एलटी ग्रेड में जो GS आता है 30 नंबर का, जिसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या होता है उसमें, वो भी मैं आपको बता दूँ कि हम इसमें बहुत जल्द उसकी सीरीज़ चलाने वाले हैं और सारी ही सारी आपकी GS कंप्लीट करवा देंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो एलटी ग्रेड का पेपर होता है और ये जो TGT का पेपर होता है, इसकी कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें TGT के पेपर की, तो TGT का पेपर करवाती है UPSSEB, और जो एलटी ग्रेड का पेपर है उसका पेपर कंडक्ट करवाती है UPPSC। ठीक है, अब बता दूं इनकी सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप UPSSEB का TGT की बात करें, तो इसमें सैलरी आपकी 43,000 से 53,000 इन हैंड आपको शुरुआत में मिलती है, जो कि आगे बहुत बढ़ती है। और एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें, तो आपको नोटिफिकेशन पे लिखा मिलेगा 45,000 से 1,51,000 की सैलरी होती है, लेकिन जो इन हैंड मिलती है वो 73,000 अप्रॉक्सीमेट होती है, जो कि हाथ में कटकटा के आती है स्टार्टिंग में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। देखिए, TGT में और LT ग्रेड में डिफरेंस कोई नहीं होता है, आपको दोनों में क्वालिफिकेशन BEd और ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अभी हम क्वालिफिकेशंस पे आगे भी आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो LT ग्रेड है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 नंबर की, हालांकि TGT में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। LT ग्रेड और TGT में दोनों ही में आप 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9th और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो TGT है उसमें आप राजकीय वाले जो स्कूल्स होते हैं उसमें आपको नौकरी मिलती है, और वो सेमाई गवर्नमेंट होती है, माने कि आधी गवर्नमेंट और अर्ध सरकारी। ठीक है, और जो LT ग्रेड होती है वो प्योर गवर्नमेंट होती है, इसमें आप GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनमें जो पेपर पैटर्न होता है वो क्या होता है। LT ग्रेड की अगर हम आज बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको LT ग्रेड के बारे में बता दूं कि जो इसमें अदर्स हैं, अदर्स के लिए फ़ीस जो होती है वो 125 रुपीज़ होती है, जो कि 2018 में हमें देखने को मिली थी। जो अदर्स और OBC हैं, जो अगर हम बात करें SC और ST की, तो उनकी फ़ीस 65 रुपीज़ होती है। ठीक, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस होती है, ये वो मैं बता रहा हूँ। और जो हमारे हैंडीकैप भाई होते हैं, उनकी जो फ़ीस होती है वो 0 होती है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्जेस में 25 रुपये उनके लगते हैं। ठीक, तो इतनी सी उनकी फ़ीस है, बहुत ही कम फीस है, बहुत ही सरकार का अच्छा कदम है जो इतने कम में आपको फॉर्म भरने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपको पेपर पैटर्न क्या होता है, तो पेपर पैटर्न में LT ग्रेड में आपको 30 नंबर की GS मिलती है। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, जो कि आप ये देख सकते हैं, उस पर सारे के सारे आपको GS के PDF नोट्स मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, आपकी पूरी प्रिपरेशन होती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, और इंस्टाग्राम पे मैं सारे ही जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो मैं आपको तुरंत सॉल्व करके देता हूँ, तुरंत, उसमें टाइम नहीं लगता है, हमारी टीम उस पर कंटिन्यूस काम करती है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम मैं नहीं चलाता हूँ, मेरा जो हमारी टीम है वो चलाती है, और वो पासवर्ड ID कई लोगों के पास है, तो इस वजह से जो है उसमें तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपना जो LT ग्रेड है, उसमें जो आपका पेपर पैटर्न है, जहाँ मैं उसकी बात कर रहा था, GS आपकी 30 नंबर की होती है, और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो 120 नंबर का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 की, अगर आपने गलत आंसर दिया तो 0.33 मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक, और आपको बता दूं कि ये जो GS होता है ये कंपलसरी होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, न्यूनतम दक्षता मानक, जो SC और ST स्टूडेंट की है वो 30% है, आपको इतने नंबर लाने ही लाने हैं, 30%, और जो अदर्स स्टूडेंट हैं उनको 40% नंबर लाने हैं। जो कट ऑफ बनेगा वो तो बात की बात है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% नंबर लाने ही लाने हैं, और अदर कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, फिर वो जो कट ऑफ बनेगी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ एज रिलैक्सेशन क्या होती है। 21 साल से 40 साल तक की उम्र है अगर आपकी OBC और अदर जनरल में, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 21 साल से 45 साल के अंदर बीच में होना चाहिए। और अगर आप विकलांग हैं, विकलांग श्रेणी से आते हैं, हैंडीकैप श्रेणी से आते हैं, तो आपकी उम्र 21 से 55 साल तक की, 55 साल तक की जो है वो इसमें लीगल होती है, इसमें मान्य होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप इस पेपर को देना चाहते हैं तो आपने बीएड या उससे रिलेवेंट कोई कोर्स करा हो जो कि यूजीसी से एफिलिएटेड हो, और दूसरा आपने ग्रेजुएशन करा हो। ठीक, दोनों में ही आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। और आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में और बीएड में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो एकदम सेम होना चाहिए। अगर आप साइंस साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, तो आपने कॉमर्स इकोनॉमिक्स लिया तो इसी से आपका बीएड भी होनी चाहिए, इसी से आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर से हैं तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको बता दूं कि ये आपको ज़रूरत है। आपको अगर आप सोशल स्टडीज़ से हैं तो इनमें से किसी भी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देख लीजिए ये सब्जेक्ट्स। और अगर आप कंप्यूटर से हैं, माने आप कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका बीएड ज़रूरी है, और बीएड के साथ आपने ये वाली इनमें से कोई भी एक जो है कोर्स कर रखा हो, एक भी कोई डिग्री ले रखी हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे क्वालिफिकेशंस की। अब मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ। पेपर पैटर्न कुछ ऐसा होता है इसका कि आपको 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि MCQ होते हैं। ऑफलाइन हुआ था 2018 में, ठीक है। और जो इसका पेपर पैटर्न होता है, 30 नंबर की जो GS होती है वो आपकी कंपलसरी है, वो आपको करनी ही करनी है, और 120 नंबर के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट से होते हैं। तो GS जो होती है वो सबके लिए एक ही आती है पेपर में, और GS की क्लासेस हम इस चैनल पे बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और एकदम फ्री में मिलेंगी, आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करा जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो GS है, GS में आपको जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, न्यूनतम दक्षता मानक, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो आपका 40% होना चाहिए। मतलब 40% आपको लाना ही लाना है अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप SC ST से कैटेगरी से हैं तो आपको 30% आपको लाना ही लाना है, ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को मिलेगा, जो भी रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश का उसी को मिलेगा। बाहर के किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का रिजर्वेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं करा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये LT ग्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी जॉब आपको मिलेगी नहीं, बेस्ट जॉब है ये, इंडिया की मेरे ख्याल से बेस्ट जॉब है। कि आप एक तो टीचर हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के टीचर, तो आप कितने ही लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, पढ़ाते हैं और खुद भी ग्रो करते हैं। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे वीडियोज़ हैं इस पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको सभी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करी जा रही हैं, पूरी की पूरी क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ बात करूँ कि जो आपका सिलेबस है वो क्या होता है, तो हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है इसके बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कॉमर्स का क्या सिलेबस है। मैंने पूरी तरह से आपको जो है सिलेबस में कितने क्वेश्चन पिछली बार बताए गए हैं, पिछली बार पूछे गए हैं, वो सब आपको बताए हैं, ठीक है। और मैं अपने हर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है इस साल में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है इस साल में। तो आप मेरे सारे ही वीडियोज़ को फॉलो करें, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और टेलीग्राम चैनल मेरा जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, और वीडियो की भी हम तैयारी करवाएंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी आपको पूछना है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।